ईटानगर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स है, और अपना यूथ ब्रिगेड्स लोग है, मेरा सारा यहाँ का वार्ड मेंबर लोग है। देखिए बारिश हो रहा है, बारिश होना जायज़ है, म्यूनिसिपल का एक चैलेंज है, हमारा एक चुनौती है, आंधी हो तूफान हो हम लोग को आगे बढ़ना है, ये हमारा नारा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज का आपका ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये था कि नाहरलगन का ये लास्ट लेक और पूरा सोशल सर्विस नहीं है, बट अवेयरनेस कैंपिंग मोदी जी का, पेमा खांडू जी का अभियान का ये लगभग एक नाहरलगन का प्रोग्राम था। अपना वार्ड नंबर 18 मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कोई पहला मर्तबा नेता नहीं है, हमारा किपा थाकुम जी तजुर्बा वाला दूसरा बार उसको चुना गया है, यहाँ का जनप्रतिनिधि है, उसका नेतृत्व में आज हम लोग का यहाँ में स्वास्थ्य ही सेवा का प्रोग्राम बना है। इसलिए सारा सुबह दूर दूर कॉलोनी कॉलोनी देखा, आप सब भी कैमरा घुमा के देखिए, ईटानगर लगभग साफ है। तो आपका माध्यम से हम ईटानगर का सारा पब्लिक को जो 3-4 लाख बसता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तरफ से हम लोग तहे दिल से आप लोगों को आभारी व्यक्त करता है कि आप लोग ने हमारा अभियान में जोरा उछले साफ सफाई में नजर रखता है और योगदान दे रहा है, बहुत अच्छा बात है। अभी एक छोटा सा डिमांड आप लोगों को, हमारा या यूथ वाला मेरा समक्ष एक वो लोगों का डिमांड रखा है कि यहाँ में गतिविधि ज़्यादा होने के नाते और अपना जो जायज़ है, आजकल अर्बनाइजेशन में ज़्यादा ही अपना आबादी बढ़ रहा है, इसलिए पहला जितना वो लोगों को अपना जरूरी था उससे ज़्यादा वो लोगों को हो रहा है। तो ई सेक्टर वाला यूथ ने हमको एक 1 पॉइंट रिक्वेस्ट रखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम बिल्कुल ही 100% अभी हमारा इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम में नहीं होने, वो नहीं होने से भी हम अपना म्यूनिसिपल का जो अभी टाइट फंड से आ रहा है, तकुम जी का सामने ऑन द रिकॉर्ड में आप सबको युवा नेता लोग को मैं पीछे जो खड़ा है आश्वासन देता है, आप लोगों को टॉप प्रायोरिटी में हम कर देंगे, आपका डिमांड को हम रेस्पेक्ट रखेंगे। आप अपना लिए नहीं मांग रहे बल्कि आप अपना एरिया के लिए और पब्लिक के लिए मांग रहे हो, सुविधा देना चाहता है। और मीडिया बंधु लोग को हम एकदम सीरियस, मेरा एक तो डाइने साथ में जो गरीब लोगों का डेली हमारा कंप्लेन है, ये मेरा वार्ड है जो 2-3 साल पहले आग जल गया था, ये एकदम स्नेल एक्शन में इतना धीरे धीरे काम चल रहा है, शायद काम खत्म होगा नहीं होगा हम लोगों को अभी शक है। इसलिए जो कोई भी इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है और डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, वो लोगों को हम लोग का रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से जल्दी, हमको जवाब नहीं चाहिए, मेरा पब्लिक को जवाब चाहिए। वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18 सारा ईटानगर तो भुगत रहा है, लेकिन 17 और 18 सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, इसलिए आंसर देना पड़ेगा। नहीं होने से हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को हम पाई पाई जवाब मांगेंगे। दूसरा बात, हम डे वन से ये पैकेज 415 का पैकेज बी को हम चिल्लाते आया है, पैकेज बी को कब बनाएगा कैसे बनाएगा मालूम नहीं है, इसलिए आप सबका माध्यम से मेरा आवाज कंसर्न मिनिस्टर तक पहुंचना है। मुझे मालूम है हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो थोड़ा सा व्यस्त होने के नाते किसी एडवाइजर को यहाँ ड्यूटी दे के लगा, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेट का लीडर, कॉरपोरेशन का लीडर लोग, हमारा जितना नाहरलगन का जितना कॉरपोरेटर है, दिल्ली तक हम लोग 2-3 बार दौरा किया पैकेज बी पैकेज सी का बारे में, और यहाँ हम लोग एमएलए को मिनिस्टर को मना नहीं करता है, नजरअंदाजा बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर का नेता होने के कारण अभी यहाँ जो गड्ढा खोद के रखा है, पीछे और आगे देखिए, सिर्फ इंसान का जान माल का डर नहीं है, नुकसान होगा तो जानवर नुकसान होगा। और जो नया नया ईटानगर 2 दिन पहले आप मुंबई में देखिए, गटर में एक औरत गिर के मर गया, अभी नाहरलगन में कोई नया आदमी आएगा उसको तो मालूम नहीं है कहाँ गड्ढा खोद के रखा है, कहाँ कैसे करके रखा है। इसलिए मेरा अथॉरिटी से एक तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, और ठेकेदार यहाँ का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दो, और कंसर्न मिनिस्टर को प्लस जो एडवाइजर है और यहाँ का कोई भी नेता है, नहीं तो हम लोग गरीब लोग जो है आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन दरवाजा जरूर खटखटाएगा। आप 7 डेज का अंदर में यह अल्टीमेटम नहीं है, ये पब्लिक का जान माल का मामला है, आप बिल्कुल ही काम को बंद करिए या मत करिए, या करने से जल्दी करिए। ये गधा कोट के रखने वाला ये जो ट्रेडिशन को हटाइए, दिखावा सिस्टम हमको नहीं चाहिए। ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, ट्रेवल आदमी है या 99%, हमको सच्चाई चाहिए, इन प्रैक्टिकल चाहिए। और किपा थाकुम साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेगा, वो भी सेम चीज़ का ऊपर आपका दिल का जो बात है इसको काइंडली बयान कर दीजिए। हम लोग टोटली सीरियस ऑब्जेक्शन है, अथॉरिटी को वेरी क्लियर है,
ये हम नहीं बोल रहे, बोल कि यहाँ का सारा पब्लिक बोल रहा है। माइक ओवर टू हिम। थैंक यू। ये जो हाईवे का जो इश्यू है, इसमें अभी देखा है कि गदा खोदा वाला अभी 2 महीना ऐसा हो रहा है, तो हम सोचा है कि आज बहुत जल्दी काम होगा बोल के, लेकिन गदा खोद के रखा लेकिन अभी तक कुछ फुटिंग भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और इसका जो स्पिल ओवर जो ये हो रहा है, कॉलोनी में पूरा पार्किंग हो रहा है, यहाँ बिल्कुल पार्किंग नहीं मिल रहा है। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को एकदम ये हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी पूजा का सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो सेलिंग नहीं हो रहा है, पार्किंग नहीं मिल रहा है। हम भी 2-3 चक्कर मारने के बाद में कई कोना में मिलता है तब पार्किंग करता है। तो कॉलोनी में भी अपना अपना जो घर वाला है उसका घर का बाहर में पार्क कर देता है, खुद का गाड़ी निकाल नहीं पाता है। तो आई रिक्वेस्ट द कंसर्न जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, आप थोड़ा काम को स्पीड अप कीजिए। एज ए लेमैन उस दिन कोई हम डिस्कस करते समय हम बात हुआ, एक पिलर को जो ये फ्लाईओवर का पिलर को 6-7 महीना लग रहा है, तो ऐसा हिसाब करने से तो 50 ईयर्स लग जाएगा पूरा पिलर लगते लगते। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि पब्लिक का जो जान माल का जो सवाल है ये सबको भी पूरा रखते हुए, पार्किंग का इशूज़ रखते हुए, इसके बाद जो बिजनेसमैन का जो ये इंटरेस्ट है उसको भी रखते हुए ये काम को जल्दी जल्द करने से ठीक है। हम लोग का लाइफ टाइम में हम लोग भी देखना चाहता है कि ये फ्लाईओवर कम्प्लीट हो। थैंक यू। एक और एक मैसेज है, यहाँ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग PWD वाला है ना हाईवे वाला है मालूम नहीं, और सरकार में कौन एडवाइजर है हम लोग मालूम नहीं है। कभी भी हम लोगों का यहाँ का जनप्रतिनिधि को कोऑर्डिनेशन मीटिंग में नहीं बुलाया, ये भी एक सीरियस इशू है। कोई भी इसको अभी काम को चला रहा है, कॉन्ट्रैक्टर हो या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर्स हो या इलेक्टेड लीडर हो, MLA हो, कोई भी हो, काइंडली कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने से यहाँ का पब्लिक को पक्का बुलाइए। इसको आप लोग आगे में ये बात को डालिए। थैंक यू।